हेलो दोस्तों, दिस इज़ शालू हियर और आज का हमारा ये वीडियो है करंट अफेयर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो वो नंबर है 139, यानी कि 139। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान शिकायत करने का या फिर पूछताछ करने के लिए यह नंबर जारी किया है। इस नंबर से अब तक जितने भी सारे हेल्पलाइन नंबर दिए हुए थे रेलवे के द्वारा, उन सब की जगह ये नंबर ले लेगा। यानी कि पहले सेक्शंस डिवाइड किए हुए थे कि पूछताछ के लिए ये नंबर है, शिकायत दर्ज करवाने के लिए ये नंबर है, तो उन सब की जगह ये नंबर ले लेगा 139। अब तक यह नंबर टोटल 12 भाषाओं में उपलब्ध है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भारतीय गणतंत्र दिवस 2020 में भारत के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो भारत के मुख्य अतिथि भारतीय गणतंत्र दिवस 2020 में होंगे ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। इसके अलावा वर्ष 2020 के गणतंत्र दिवस परेड में 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों से झांकियों के लिए इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चुना गया है। किनके द्वारा, कौन से राज्य या कौन से केंद्र शासित प्रदेश की कौन सी झांकियां भाग लेगी गणतंत्र दिवस के परेड में, इसका चुनाव करते कौन है? तो कला और संस्कृति, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत और वास्तुकला क्षेत्र में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनके द्वारा इन झांकियों को सिलेक्ट किया जाता है और यह बताया जाता है कि परेड में कौन कौन सी झांकियों को शामिल किया जाएगा। आते हैं प्रश्न 3 की ओर। हाल ही में कौन सा राज्य लुप्त हो रहे हरगीला का प्रजनन करने वाला पहला राज्य बना? तो असम। असम राज्य का चिड़ियाघर और वनस्पतिक उद्यान और अभयारण्य। तो हरगीला जो है वो सारस की ही एक प्रजाति है जो धीरे धीरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने के कारण विलुप्त होने के कगार पे है। हरगीला या ग्रेटर एजुटेट, हरगीला या ग्रेटर एजुटेट, ये दोनों एक ही हैं और सारस की एक प्रजाति हैं। सारस की टोटल 20 प्रजातियां हैं जिसमें से एक हरगीला भी है। भारत में सारस की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो भारत में सारस की टोटल 8 प्रजातियां पाई जाती है जिसमें से एक हरगीला भी है। हरगीला भारत में असम, बिहार और कंबोडिया के प्रीक टॉल में कुछ जगहों पर सीमित है। यानी कि भारत के असम, बिहार और कंबोडिया के इन सब जगहों पे अभी यह सीमित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आयरलैंड में क्वीन यूनिवर्सिटी का नया चांसलर किसे बनाया गया? हिलेरी क्लिंटन को। हिलेरी क्लिंटन जो पूर्वी अमेरिका स्टेट सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। क्वीन यूनिवर्सिटी की यह पहली महिला चांसलर बनी, इसलिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आयरलैंड में क्वीन यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर कौन बनी? हिलेरी क्लिंटन। क्वेश्चन नंबर 5 है, दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड 2019 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो सही उत्तर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। दुबई ग्लोबल सॉकर कहाँ आयोजित की गई थी? तो दुबई में आयोजित की गई थी। रोनाल्डो के पूरे 9 वर्ष के करियर में यह उनका 6ठा पुरस्कार है। वहीं इंग्लैंड की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लूसी ब्रॉन्ज इन्होंने वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ESPN क्रिफ इन्फो की IDO और T20 का कप्तान किसे चुना गया है? तो MS धोनी को। वहीं विराट कोहली को टेस्ट टीम का कप्तान चुना गया है। वहीं जब महिलाओं की बात करते हैं तो ODI और T20 दोनों ही टीम के लिए पूर्व कैप्टन मिताली राज और तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी को चुना गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत राज्य घोषित कर दिया गया है? तो सही उत्तर है नागालैंड। नागालैंड को अगले 6 महीनों के लिए अशांत राज्य घोषित कर दिया गया है। किसके तहत? तो सशस्त्र बल अधिनियम यानी कि AFSPA के तहत नागालैंड को अगले 6 वर्षों के लिए अशांत राज्य घोषित कर दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 8, 5 दिवसीय लाई हरोबा महोत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो त्रिपुरा के अगरतला में। कब हुई इसकी शुरुआत? तो 2 जनवरी 2020 को। लाई हरोबा क्या है? यह एक मणिपुरी मेरती समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक महोत्सव है। इस महोत्सव का उद्घाटन राज्य विधानसभा के अध्यक्ष रेवती मोहन दास ने किया। वहीं इस महोत्सव में संगीत, नृत्य, मौखिक साहित्य, इन सभी चीज़ों के द्वारा यह महोत्सव मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। पोर्टल संतुष्ट किस मंत्रालय के द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है? तो श्रम मंत्रालय के द्वारा पोर्टल संतुष्ट शुरू करने की घोषणा की गई है। ये श्रमिकों की शिकायतों और उनके समाधान के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, अब आ गया है हमारा टाइम क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन, दृष्टिहीनों के लिए नोट की पहचान के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? तो वो ऐप है मनी ऐप। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो आरबीआई के द्वारा। आप कमेंट करके बताएं कि आरबीआई के गवर्नर कौन है। और आज का हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने अंडर 21 पुरुष सिंगल वर्ग में जीत हासिल की है? तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में।